हेलो एवरीवन, वेलकम टू री टैरो 1111। मैं हूं आप सबकी दोस्त री। कैसे हो आप सब? एक और ब्यूटीफुल सा फुल मून यहां पे आ गया है। 24 फरवरी को है ये ब्यूटीफुल सा फुल मून। सो यस, मैं लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा पिक कार्ड रीडिंग। हम आज देखेंगे कि इस फुल मून का इफेक्ट आपके लाइफ पे क्या होने वाले है। ठीक है, बिग इवेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, कुछ बहुत अच्छी सी कुछ होने वाली है। ब्लेसिंग तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप में क्या बदलाव आ रहे हैं इस फुल मून में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड सबसे ज्यादा आपको आकर्षित कर रहे हैं आपको उसको चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको चूज करने में डिफिकल्टी होती है तो फिर आप दोनों कार्ड का रीडिंग देख सकते हैं एंड उसमें से जो रेजोनेट करे आप ले सकते हैं। ओके, सो ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा मून के कार्ड को सिलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं ये जो फुल मून आ रहे हैं वो आप लोगों के लाइफ में क्या इफेक्ट लाएगा। ऑफ कोर्स हम टैरो से देखेंगे, ओरेकल से देखेंगे, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे और एक बहुत ही स्पेशल डेक है उससे आपका लव मैसेज भी मैं देखूंगी। ठीक है, इट्स अ ब्रांड न्यू डेक, सो आई एम श्योर यू गाइज विल बी एक्साइटेड। ओके, ध्यान में रखिए गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे उसको आपको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है। ठीक है, ऊपर दिए गए यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड यस, ये सारे जाति धर्म सब लोगों के लिए है। ओके, जेंडर के लोगों के लिए है, सो प्लीज हर कोई ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी आप भेज सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि ये जो फुल मून है वो हमारे ग्रुप 1 के लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए द मून आ गया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरिफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ गाइस, सो दैट आप अच्छे से देख पाओ यहाँ पे। ओके, आई होप आप सारे कार्ड्स अच्छे से देख पा रहे हैं। जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आए हैं वो है टॉरस, पाइसीज, लीब्रा। बहुत स्ट्रांग है ये एनर्जीज, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं उनके चार्ट्स में अभी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट आए हैं, नंबर 18, 9, 5, 11, 2 एंड 7। ये आपका बर्थ डेट हो सकता है या आप किसी के साथ डील कर रहे हो उनका बर्थ डेट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट दी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी आपके लाइफ में अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, आप अपने बात मनवाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो। हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से कुछ परमिशन की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर को कुछ समझाना है, आपको न्यू जॉब का ट्राई करना है या जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा आप कंपिटिटिव हो जा रहे हो। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस अभी इस टाइम पे आप फेस जरूर कर रहे हो, जिसके वजह से आप थोड़े से, मुझे एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बर्नआउट हो गया है, आप थोड़ा लड़ते लड़ते शायद रेस्ट लेने के मूड में आए हो और ये सोच रहे हो कि आखिर मेरी ये जो ब्लॉकेजेस है वो कब जाएगी मेरी जिंदगी से। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते करते थोड़ा सा एग्जॉस्ट जरूर हो गए हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी थकी हुई महसूस हो रही है। अगर लास्ट कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा एनर्जी लो फील कर रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स कि आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल कुछ ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से आप ये मुश्किल फेस कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट कार्ड आया था द मून कार्ड। सो हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में एक स्ट्रांग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिसके वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके वर्क एरिया में फालतू का आपके बारे में गॉसिप फैला जा रहा है, ऑल्सो आपके फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है, बिकॉज कोई तो एक है जो आपके सामने अच्छा दिखता है बट पीठ पीछे ये एक एनिमी की तरह आपके बारे में बुरी चीजें फैला रहा है। ओके, सो यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में स्कॉर्पियो प्लेसमेंट हो एंड ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि ये पर्सन कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो। ओके, आई एम गेटिंग दैट चैनल मैसेज इज वेल। इस फुल मून में आपको इस इंसान के बारे में पता चल सकता है एंड उसके बाद आपका ये 5 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि कुछ फाइट्स होने की संभावना है। अगर ये आपके पर्सन भी है जो आपसे कुछ छुपा रहे थे वो लाइट में आ सकता है एंड यू विल बी
इनटॉलरेबल फॉर दैट मिस्टेक. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे ईगो बैटल्स हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोली जा सकती है जो वापस नहीं लिया जा सकता. सो बी केयरफुल ऑफ दिस एनर्जी. ठीक है, ये थोड़े से ट्रबलसम एनर्जीज आपके लिए आए हुए हैं, बट येस उसके बाद चीजें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है. ऑल राइट गाइस, अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज इसको जरूर से लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले एंड कमेंट कीजिए फुल मून टू क्लेम द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज. ओके, देन वी हैव द हेरिफेंट जो दिखा रहा है कि इस फुल मून में हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन सीखो. जो लोग एजुकेशनल फील्ड में है, आपको कोई नया कोर्स में एंट्री होते हुए यहाँ पे मैं दिख रही हूँ, कोई मन मुताबिक कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भागीदार आप हो सकते हो, आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल गुरु ट्यूटर टीचर मिल रहा है. जस्ट मेक श्योर कि जितना जरूरत है उतना ही नॉलेज लो, डोंट लेट दिस पर्सन गाइड एंड डोमिनेट योर आइडियाज. ऑल राइट, ऑल्सो आई एम सीइंग कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, अरेंज मैरिज के पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है. आपके कम्युनिटी, आपके रिलीजन से किसी इंसान का शादी का रिश्ता आपके लिए आ सकता है. ठीक है, ओके. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया था, यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन दैट एग्जाम, आपकी बहुत तारीफें हो रही है. Then we have the Nine of Pentacles. अगर आप बहुत टाइम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है मांग रहे थे यूनिवर्स से, दैट थिंग इज कमिंग फॉर यू. सडन सम ऑफ मनी आपके लाइफ में आ सकता है, जिसके वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे. हो सकता है आप कोई लग्जरी कपड़े, एक्सेसरीज या फिर नए कुछ एक्जॉटिक ब्रीड का कोई पेट आप ले सकते हो खर्चा करके. ठीक है, ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट इन द सोसाइटी, यू कैन इन्वेस्ट इन योर होम. ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप कुछ मनी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका आरओआई आपको बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा. ठीक है, सो डेफिनेटली मनी वाइज अ वेरी गुड टाइम इज कमिंग आफ्टर दिस फुल मून. और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आ गया है मिरर नंबर्स 9 and 11. सो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, देन दिस इज अ स्ट्रांग साइन कि आप अपने ट्विन फ्लेम से इस टाइम पे यूनियन हो सकता है. ओके, ट्विन फ्लेम के बारे में बाय द वे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मेरे लास्ट इंस्टाग्राम रीडिंग पे आया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टाइम स्टैम्प्स के पास. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे रीडिंग्स देखने को मिलेगा. ओके, सो येस, यू आर बीइंग फेयर एंड जस्ट टू योर सेल्फ. अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे थे, डिसीशन आपके फेवर में आते हुए यहाँ पे दिख रहा है. ऑल्सो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, यू आर फाइनली क्रैकिंग दैट एंड यू आर गेटिंग दैट अथॉरिटेटिव पोजिशन. ओके, थिंग्स आर लुकिंग रियली फेयर एंड गुड फॉर यू. सो आपको ध्यान देना है कि ये जो फुलमून का टाइम है वो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, फालतू झगड़े से बचे और जो आपके लिए अच्छा है उसमें प्लीज इन्वेस्ट करें. ठीक है, बाय द वे गाइस, मैं फुल मून का एक रिचुअल इंस्टाग्राम लाइव पे करने वाली हूँ 24th को. सो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए, उससे आप उस लाइव का हिस्सा बन सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस. ठीक है, मेरा कम्युनिटी का भी लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, वहां जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अभी तक फ्री है, सो प्लीज ज्वाइन एंड बिकम अ मेंबर फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू. कॉन्फिडेंस, आपको जो है ढेर सारी कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपने काम पे, अपने जो भी पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा आपके चेंज हो रहा है. यू आर फाइनली रेडी टू फ्लाई. ओके, अगर आप कोई चीज सेल करते हो और उसमें अगर आपकी कॉन्फिडेंस ही ना हो तो फिर कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा. राइट, सो यू नीड दैट कॉन्फिडेंस टू सेल योर सेल्फ एंड ऑल्सो सेल योर प्रोडक्ट्स टू गेट अ ग्रेट करियर. ओके, ऑल्सो अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो इस टाइम पे, देन येस कॉन्फिडेंस नीड्स टू बी देयर सो दैट वो पर्सन आप पे भरोसा कर पाए. ठीक है, चलिए वो स्पेशल लव मैसेज मैं अपनी न्यू डेक जो है रोमांटिक फेरी उससे मैं लूंगी. ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक डेक बन गई है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल द इमेजेस. ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स चेक दैट. ओके, विल टेक दिस हॉलीडे. वाओ, दिस इज सो प्रिटी. एंजॉय अ चेंज ऑफ सीनरी टू स्पाइस आप योर लव लाइफ. ओके, आपको बोला जा रहा है अपने पार्टनर के साथ एक हॉलीडे पे जाने के लिए, जहां पे आप चीजों को फिर से एग्जॉटिक बनाओ, फिर से चीजों को स्पाइस अप करो और एक बहुत ही क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करो. ओके, यू कैन गो टू अ बीच, यू कैन गो टू अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन जहां पे आप बहुत ज्यादा रेजुविनेट हो जाओगे. ठीक है, लेट्स सी द गाइडेंस और उसके बाद मेरे जो हैंड रिटन मैसेजेस है उससे भी हम देखेंगे कि इस फुल मून में
क्या आ रहा है आपके लिए. ओके लेट्स टेक द गाइडेंस कार्ड फॉर यू. ऑफ कोर्स मून रीडिंग है देन मून के कार्ड्स तो होने ही चाहिए ओरेकल वाले. सेल्फ रिफ्लेक्शन. ओके आपको बोला जा रहा है यहाँ पे भी मिरर है. देखिए आप खुद के अंदर झांकिए तो आपको पता चलेगा वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए वर्क कर रहा है और वो कौन सी चीज़ है जो वर्क नहीं कर रहा है. अगर आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करोगे तो फिर आगे जाके आपको और ज़्यादा ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ेगी. ओके सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. लेट्स टेक द मैसेजेस. ओके आई विल टेक दिस वन. ऑलराइट ये चार मैसेजेस हम लेंगे. देखते हैं फुल मून में आपको और क्या मिल रहा है. न्यू पेट. डेफिनेटली मैंने भी आपको बोला था कार्ड्स देखिए कि आप कोई एग्जॉटिक ब्रीड को पेट बना सकते हैं खरीद सकते हैं. अबंडेंस. डेफिनेटली यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. देन वी हैव लोन पेमेंट. आपने अगर कहीं से लोन उठाए थे उसका पेमेंट हो जाएगा. आपको पैसे मिल रहा है. एंड बिफोर द लास्ट मैसेज ऑफ द डे जल्दी से जो है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप पे यहाँ पे क्लिक करें. ऑफ कोर्स व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें टू बुक योर रीडिंग एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. देन वी हैव सेल्फ लव. सो ऑफकोर्स यू आर लविंग योर सेल्फ मोर. सो दैट वॉज योर रीडिंग गाइज. आई होप आपको पसंद आई है. अगर आई है प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड येस मेरे कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनिए टू बिकम एन एक्सक्लूसिव मेंबर. साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि रिचुअल जो है फुल मून का उसका लाइव मैं 24th को करूंगी. सो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो करें. इंस्टाग्राम हैंडल है retaro1111_. वहां जाके आप मुझे फॉलो करेंगे तो डेली के आपको और भी रीडिंग्स रील्स रिचुअल्स बहुत सारे चीजों का आपको नॉलेज मिलेगा. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस फुल मून. हैप्पी फुल मून टू ऑल ऑफ यू. बाय. हाय माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 2. जिन लोगों ने ये ब्यूटिफुल मून कार्ड सिलेक्ट किया है लेट्स सी ये फुल मून आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं. मैं इसको इधर रख देती हूँ इससे आप देख पाएंगे कार्ड. ध्यान में रखिए गाइस ये एक जनरल रीडिंग है. ठीक है. सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे आपको ले लेना है जो ना रेजोनेट करे आपको जो है जाने देना है. ऑल्सो गाइज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सारे मजहब जाति धर्म के लिए है. सो इसको कोई भी देख सकता है. ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स अब एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे. ऑल्दो कुछ लोगों के साथ करते जरूर है. सो टैरो ओरेकल और मेरे हैंड रिटन जो मैसेजेस है उससे भी हम देखेंगे कि फुल मून में आपके लिए क्या आ रहा है. ठीक है. एक बहुत ही स्पेशल लव डेक है जो मैं यूज करूंगी फॉर लव मैसेज. सो मेक श्योर आप पूरा रीडिंग देखो कुछ भी स्क्रिप्ट स्किप ना करो. ठीक है. लेट्स सी मेरे ब्यूटिफुल से पाइल 2 के लिए इस फुल मून में क्या होने वाला है. वाओ फर्स्ट वी हैव द स्टार कार्ड. नेक्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्स क्वीन ऑफ वॉन्स King of Pentacles, Three of Pentacles and bottom of the deck है Nine of Wands. Okay. All right. I hope सारे cards अब अच्छे से देख पा रहे हैं. यहाँ पे जो energies बहुत ही strongly आए हैं वो है Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. या आपके sign, आपके person या किसी के साथ आप deal कर रहे हो उनका sign हो सकता है. Numbers important आए हैं number 17, 8, 12, 13, 14, 3, 9. ठीक है. ऑलराइट सो यहाँ पे मुझे जो करंट एनर्जी फील हो रहा है वो ये है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो. आप किसी चीज को गिव अप नहीं करना चाह रहे हो. हो सकता है आप कोई अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है उसको लेके बिजनेस करना चाहते हो बट आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कोई अच्छा सा जॉब करो बट यू डोंट वॉन्ट टू गिव अप. ओके बिकॉज इतना टाइम तक आपने बहुत इस पर मेहनत किया है आपको लास्ट मोमेंट में आके उसको छोड़ना नहीं है. ठीक है. ऑल्सो वेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप या हेल्थ मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज से रिकवर कर रहे हो. एंड ऑल्सो आई कैन सी ओवर हियर कि आप जो है कुछ बात से बहुत ही दुखी हो. ठीक है. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट दिस पर्सन इज नॉट गिविंग अप बट दिस पर्सन इज सैड एज वेल. ये पर्सन हैप्पी नहीं है. ठीक है. उन्होंने खुद के आजू बाजू ही बहुत सारे यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा है फॉर समथिंग विच इज नॉट दैट गुड. सो आपको थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज पे काम करने की जरूरत है एंड यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर सेल्फ सो दैट लोग भी आपके इस ड्रीम पे
बिलीव करना चालू कर दे, ठीक है। विद द स्टार कार्ड डेफिनेटली अ बिग बिग विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। सो अगर आपका कोई भी ये विश था कि आपको कोई सोशल रिकग्निशन मिले, नेम फेम जो है वो मिले, ऑल्सो अगर आप खुद का यूट्यूबर है या फिर इन्फ्लुएंसर है या खुद का कोई ऐसे ऑनलाइन बिजनेस है, उस पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई यहाँ पे दिख रहे हैं, नए क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं, कोलैब्स आप कर सकते हो। ओके, हियर वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, एक है जो आपसे उम्र में छोटे आ रहे हैं, एक है जो आपसे उम्र में बड़े आ रहे हैं, ठीक है। विद द नाइट ऑफ वांड्स इट्स पॉसिबल कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेंगे इस टाइम पे अपने लाइफ के बारे में, कनेक्शंस के बारे में। ऑल्सो यू विल हैव एन एक्स्ट्रा अर्ज टू गेट फिजिकल विद योर पार्टनर, ठीक है। आपका जो ये इंटीमेसी है उसको बढ़ाने का आपको बहुत ज्यादा मन करेगा। यू विल बी लाइक आई वॉन्ट इट ऑल, ठीक है। आप बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट एंड एक्शन टेकर एनर्जी में रहने वाले हैं। ऑल्सो आई कैन सी ओवर हियर लोग आपके खूबसूरती का दीवाने होने वाले हैं। आपको ढेर सारे यहाँ पे एडमायरर्स मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है, आप में एक अलग ही ग्लो अप है, ठीक है, अलग ही चमक है इस टाइम पे, फुल मून के टाइम पे। ऑल्सो आई कैन सी अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स है या फिर कुछ ऐसे एनर्जी वर्क करते हैं, दिस वुड बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू डू एनी रिचुअल। अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, दिस इज फॉर श्योर एन एक्स्ट्रा येस साइन दैट यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। ऑल्सो अगर आप कोई ऑन्टरप्रनर हो, आपके खुद के बिजनेस है, इंट्यूशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड कुछ चीजें हैं जो बाहर के लोग नहीं समझेंगे आपने क्यों डिसाइड किया, बट यू विल नो द फैक्ट फॉर श्योर। यहाँ पे जो है मनी वाइज भी आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आप अगर आप मैरिड हो, आप होम मेकर हो, आपके हस्बैंड कमाते हैं, देन ऑफकोर्स उनका फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। फैमिली में और ज्यादा पैसे, स्टेबिलिटी, अबंडेंस आ रहे हैं। आप लोग हो सकते हो किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट भी करो इस फुल मून के टाइम पे, ठीक है। गाइज अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी है, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट में लिखो फुल मून टू क्लेम ऑल ऑफ दीज एनर्जीज। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड येस, फुल मून की रिचुअल जो है मैं इंस्टाग्राम लाइव पे आके आपको दिखाऊंगी 24th को। सो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बनना पड़ेगा, एंड फॉर दैट माई इंस्टाग्राम लिंक retaro1111_ टाइम्स के पास ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। आप वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। Then we have the Three of Pentacles. अगर आपके वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा था, ठीक है, वहां पे आपको जो है हेल्प मिलने के चांसेस है। आपके टीम में नए मेंबर्स आ सकते हैं, आपको बिजनेस में फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल सकता है, कोई सी एक्सपर्ट का सलाह आपको मिलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, जो फॉलो करके आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम टू वर्क विथ अदर पीपल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। ओके, लव वाइज आई एम नॉट सीइंग एन एक्सट्रीमली committed relationship you are getting into, but yeah, you are exploring your options. Single people, जो लोग already married है या relationship में है, उनके अंदर बहुत अच्छा intimacy grow करेगा, वो relationship और भी solid होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग oracle card से what else is coming for you. By the way guys, मेरे community अभी तक free है, अगर अभी तक आप member नहीं बने हैं, उसका link जो है मैंने already timestamps के पास दे दिया है, so वहां जाके आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ओके, फॉर सम एक्सक्लूसिव ऑफर्स। ऑलराइट, लेट्स सी फाइनेंशियल हेल्थ। सो डेफिनेटली मनी इज कमिंग फॉर यू गाइस, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आप एक मनी मैग्नेट बन रहे हो, जहां पे आपके फाइनेंसेस मस्त यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल दिस ट्री। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर रूट्स। सो हो सकता है इस टाइम पे आप अपने नेटिव प्लेस या अपने जो है ना गांव पे आप जाओ, जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने आप को रूट्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है, वेर यू बिलोंग फ्रॉम, ये चीज भी यहाँ पे आ रही है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल लव डेक, ओके, विच आई एम इन लव विथ राइट नाउ। सो या, बहुत खूबसूरत है ये डेक, ठीक है। सो लेट्स सी लव के मामले में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 इस फुल मून के टाइम पे, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, आई टेक दिस कार्ड, लेट्स सी। वाओ, रियल फीलिंग्स, ओ माय गॉड, यू शेयर ट्रू
रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिटी इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो डेफिनेटली आपके जो फीलिंग्स है वो रियल है, जिस इंसान के साथ आप शेयर करते हो वो पर्सन रियल है. ग्रेट केमिस्ट्री एंड पैशन इज कमिंग अप कार्ड से देख सकते हो. ऑल्सो आपका जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, दैट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग. अगर आप किसी के लिए फील करते हो और आपको डाउट है कि वो पर्सन आपको फील करते हैं या नहीं, आपको बताना आपको बताना है या नहीं अपने फीलिंग्स, तो डेफिनेटली दिस इज अ येस साइन दैट यू नीड टू कन्वे योर फीलिंग्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू. ऑफ कोर्स फुल मून रीडिंग है एंड आई यूज माय मून ओरेकल कार्ड्स, क्वीन ऑफ द मून. लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम. उसके बाद हम हैंड रिटन मैसेजेस से भी देखेंगे, ठीक है? ओके, यू हैव गॉट असेसिंग. ओके, कुछ चीजों के मामले में आपको जो है थोड़ा सा बिगर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है. अभी इस टाइम पे अगर आपको ग्रोथ नहीं नजर आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो कभी जिंदगी में ग्रो करेगा ही नहीं, ठीक है? सो यू नीड टू एलिवेट योर सेल्फ, असेस कि इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या हो सकता है. ऑल्सो नंबर 9 इज वेरी सिग्निफिकेंट. इट शोज दैट आप अपने गोल के बहुत करीब हो. सो आपको अभी गिव अप तो डेफिनेटली नहीं करना है. यहां पर भी नंबर 9 आया था, ठीक है? सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव one of your goals for sure. चलिए अब जो है आपके लिए हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे. What is coming for you? Let's see that. Okay, ये चार हम देंगे. Let's see. First thing that you're getting in this full moon is no doubt. You are getting intimacy, guys. Okay, this is a very very sure shot confirmation. आपके intimacy जो है वो बढ़ रहे हैं. लव फ्रॉम फैमिली, आपके फैमिली से आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा इस टाइम पे. ऑफकोर्स आप अपने फैमिली को विजिट भी कर सकते हो. रिकग्निशन, येस, स्टार कार्ड यहाँ पे है. नेम फेम रिकग्निशन पब्लिक फेम डेफिनेटली आ रहे हैं आपके लिए. एंड बिफोर द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो. फुल मून टू गेट एंड क्लेम द एनर्जीज. ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए टू सी द रिचुअल जो आप कर सकते हैं. एंड यू कैन रियली अट्रैक्ट दिस फॉर्म ऑफ मनी ऑन दिस फुल मून. एंड यस, कम्युनिटी के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के पास है, सो लेट्स चेक आउट दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव लव मैरिज. सो जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे थे, दिस इज अ कन्फर्मेशन. इस फुल मून के टाइम पे इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू दैट. अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत इजी रहेगा. सो डू गिव इट अ ट्राई. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग. शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको गाइडेंस की जरूरत है. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग. ओके, टेक केयर, बाय, हैप्पी फुल मून.